सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई लताड़। अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं रहेंगे बैठे। कानून का शासन है सर्वोपरि। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार तानाशाही के लग रहे आरोप। तमाम सरकारी एजेंसियां तो सरेंडर कर ही चुकी। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में करने की सरकार करती रही लगातार कोशिश। एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ चुका था, लेकिन जब से डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बने चीफ जस्टिस, लोगों का भरोसा फिर से कायम हुआ। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत लोगों के नजरों में बढ़ी। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी द्वारा भी न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिशें हुई। एक बड़ा दाव चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। साफ तौर पर मैसेज दिया, सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार और पत्र लिखने वाले वकीलों को दिया करारा जवाब। जज ने साफ साफ कह दिया, अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। भारत में कानून का शासन सर्वोपरि है। जस्टिस गवई का यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में मोदी सरकार के गलत नीतियों की पोल खोल रही है और मोदी सरकार न्यायपालिका को झुकाने के लिए रच रही षड्यंत्र है। अपने चहेते वकीलों से सीजीआई को पत्र लिखवाकर न्यायपालिका को विपक्ष के दबाव में होने का आरोप बढ़ रही है। प्रधानमंत्री खुद वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र को ट्विटर पर साझा कर विपक्ष पर हमला बोल रहे। न्यायपालिका सरकार के खिलाफ न जाए, इसको लेकर सरकार तमाम तरकीबें अपना रही हैं। न्यायपालिका पर दावा बनाने की कोशिश हो रही। ऐसे वक्त में अब सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई ने कमान संभाली। जस्टिस बीआर गवई का यह बयान उन तमाम अधिवक्ताओं जिन्होंने सीजीआई को पत्र लिखकर न्यायपालिका को विपक्ष के दबाव में होने का आरोप लगाया और साथ ही मौजूदा सरकार की गाल पर जोरदार तमाचा है। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, इससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बी आर गवई ने शुक्रवार को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। अपने संबोधन में जस्टिस गवई ने कहा, सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उनका यह बयान न्यायपालिका के दबाव में होने का आरोप लगाने वाले वकीलों और मोदी सरकार पर करारा तमाचा बताया जा रहा है। आपको बता दें, जस्टिस वी आर गवई विवादित चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ में भी शामिल थे। जस्टिस गवई ने क्या क्या कहा अपने संबोधन के दौरान? जस्टिस गवई ने कहा, भारत में न्यायपालिका ने बार बार यह दिखाया है जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो हमारी संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे रखे नहीं बैठ सकती। जस्टिस गवई ने कहा, देश की संवैधानिक अदालतों ने इस संबंध में नए संवैधानिक तंत्र और कानूनी सिद्धांत विकसित किए हैं और नीति निर्माण और असंगतता के कारण अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठती रही है। भारत में कानून का शासन सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कानून के शासन को सर्वोपरि बताया। जस्टिस ने बताया कि कैसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने और कानूनों को असंवैधानिक करार देने की अनुमति देती है। जस्टिस ने कहा, भारत में जहां कानून का शासन सर्वोपरि है, न्यायिक समीक्षा विधायिका द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग के लिए बाधा बनी हुई है। जस्टिस ने कहा, बरसों से न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से विधायिका की शक्ति और नागरिक के हितों के बीच एक पुल के रूप में काम किया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।